निकुंज कुंज वासिनी विलासिनी सुहासिनी सदा प्रिय अभिलाषिनी महाप्रभा प्रकाशिनी। राधे कृष्ण भक्तों, आइए श्रवण करते हैं श्री राधा चरित्रामृत भाग दो। राधा चलो अवतार लें। महर्षि सांडिल्य से श्री राधा चरित्र सुनने की इच्छा प्रकट करने पर महर्षि के आनंद का ठिकाना नहीं रहा। वो उस प्रेम सिंधु में डूबने और उबरने लगे थे। हे द्वारकेश के प्रपौत्र, मैं क्या कह पाऊँगा श्री राधा चरित्र को। जिन श्री राधा का नाम लेते हुए श्री सुखदेव जी जैसे परमहंस को समाधि लग जाती हो, वे कुछ बोल नहीं पाते। हाँ, प्रेम अनुभूति का विषय है वज्रनाब, ये वाणी का विषय नहीं है। कुछ देर मौन होकर फिर हंसते हुए बोलना प्रारंभ करते हैं महर्षि सांडिल्य। हाँ 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 हाँ, गूंगे के स्वाद की तरह ये प्रेम। गूंगे को गुड़ खिलाओ और पूछो बता कैसा है। क्या वो कुछ बोलकर बता पाएगा? हाँ, वो नाच कर बता सकता है। वो उछल कूद कर के बोले क्या? ऐसे ही बस तुमने ये मुझसे क्या जानना चाहा? तुम कहो तो मैं वेद का संपूर्ण वर्णन करके तुम्हें बता सकता हूँ। तुम कहो तो पुराण इतिहास या वेदांत गूढ़ प्रतिपादित तत्व का वर्णन करना मुझ सांडिल्य को अशक्य नहीं है। पर मैं क्या बोलूँ? प्रेम की परिभाषा क्या है? परिभाषा तो अनंत है। प्रेम की अनेक कही गई हैं। अनेकों अनेक कवियों ने इस पर कुछ ना कुछ लिखा है, पर सब कुछ ना कुछ अधूरा है, क्योंकि प्रेम की पूरी परिभाषा आज तक कोई लिख ना सका। पूरी परिभाषा मिल ही नहीं सकती, क्योंकि प्रेम वाणी का विषय ही नहीं है, ये शब्दातीत है। इतना कहकर महर्षि सांडिल्य फिर मौन हो गए। हे महर्षियों में श्रेष्ठ सांडिल्य, आपने प्रेम के लिए जो कुछ कहा वो तो ब्रह्म के लिए कहा जाता है। तो क्या प्रेम और ब्रह्म एक ही है? अंतर नहीं है दोनों में? मैं अधिकारी हूँ कि नहीं महर्षि? मैं प्रेम तत्व को नहीं जानता। आपकी कृपा हो तो मैं जानना चाहता हूँ, यानी अनुभव करना चाहता हूँ। आप कृपा करें। हाथ जोड़कर श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ ने महर्षि सांडिल्य से कहा। महर्षि सांडिल्य ने कहा, हाँ, ब्रह्म और प्रेम में कोई अंतर नहीं। फिर कुछ देर कालंदी यमुना को देखते हुए वह मौन हो गए। महर्षि सांडिल्य बोले, नहीं नहीं, ब्रह्म से भी बड़ा है प्रेम। मुस्कुराते हुए फिर बोले, तभी तो वह ब्रह्म अवतार लेकर आता है केवल प्रेम के लिए। प्रेम उस ब्रह्म को भी नचाने की हिम्मत रखता है। क्या नहीं नचाया? क्या इसी ब्रजभूमि में गोपियों ने, उन अहिर की कन्याओं ने माखन खिलाने के बहाने से उस ब्रह्म को अपनी बाहों में भरकर उस सुख को लूटा है, जिस सुख की कल्पना भी ब्रह्मा रुद्र आदि नहीं कर सकते। उन गोपियों के आगे वो ब्रह्म नाचता है। आहा, ये है प्रेम देवता का प्रभाव। नेत्रों से झरझर अश्रु बहने लग जाते हैं। महर्षि के ये सब कहते हुए वज्रनाभ शांत भाव से पूछते हैं, कृष्ण कौन है? महर्षि सांडिल्य बोलते हैं, चंद्र हैं। कहाँ के चंद्र? वज्रनाभ ने फिर पूछा। श्री राधा रानी के हृदय में जो प्रेम का सागर उमड़ता रहता है, उस प्रेम सागर में से प्रकट हुआ चंद्र है ये कृष्ण, महर्षि ने उत्तर दिया। श्री राधा रानी क्या है फिर? वज्रनाभ ने फिर पूछा। वो भी चंद्र है, पूर्ण चंद्र, महर्षि का उत्तर रहा। वज्रनाभ आनंदित होते हुए पूछने लगे कि कहाँ की चंद्र? महर्षि सांडिल्य कहते हैं, वत्स वज्रनाभ, श्री कृष्ण के हृदय समुद्र में जो संयोग वियोग की लहरें चलती और उतरती रहती हैं, उसी समुद्र में से प्रकटा चंद्र है ये श्री राधा। तो फिर ये दोनों श्री राधा कृष्ण कौन हैं? दोनों चकोर हैं और दोनों ही चंद्रमा हैं।
कौन क्या है कुछ नहीं कहा जा सकता। इसे इस तरह से माना जाए राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। क्या वज्रनाभ प्रेम की उस उच्चावस्था में अद्वैत नहीं घटता? वहाँ कौन पुरुष और कौन स्त्री उसी प्रेम की उच्च भूमि में विराजमान है? ये दोनों अनादिकाल से, इसलिए राधा कृष्ण दोनों एक ही हैं। ये दो लगते हैं पर है नहीं। हे वज्रनाभ, जो इस प्रेम रहस्य को समझ जाता है वह योगिनियों को भी दुर्लभ प्रेम भक्ति को प्राप्त करता है। इतना कहकर भाव समाधि में डूब गए थे महर्षि सांडल्य। हे राधे, जय श्री कृष्ण राधे। ये आवाज़ काफ़ी देर से आ रही है, देखो तो कौन। विशाखा सखी ने ललिता सखी से कहा, हे राधे, जय श्री कृष्ण, जय राधे। ये आवाज़ काफ़ी देर से आ रही है, देखो तो कौन है। कहो ना ज़्यादा शोर ना मचाएं, वैसे भी हमारे प्यारे आज उदास हैं, उनका कहीं मन नहीं लग रहा। पर ऐसा क्या हुआ? ललिता सखी ने विशाखा सखी से पूछा। विशाखा सखी ने कहा, प्यारे अपनी प्राण श्री जी को चंद्रमा दिखा रहे थे और दिखाते हुए बोले, तुम्हारे मुख तो चंद्रमा की तरह है मेरी प्यारी, बस रूठ गई हमारी राधा प्यारी। विशाखा सखी ने कहा, पर इसमें रूठने की क्या बात है? ललिता सखी फूलों की सेज लगा रही थी और पूछती भी जा रही थी। जब प्यारे ने अपनी प्राण श्री राधिका से उनके कपोल को छूते हुए कहा, चंद्र की तरह मुख है तुम्हारा। श्री राधा कहती हैं, ओ तो क्या मेरे मुख में कलंक है? मेरे मुख में काला धब्बा है, बस श्री राधा प्यारी लूट गई। ओ ललिता सखी भी दुखी हो गई, पर श्याम सुंदर को ये सब कहने की जरूरत क्या थी? पर श्री राधा रानी को भी बात बात में मान नहीं करना चाहिए ना? विशाखा सखी ने कहा, प्रेम बढ़ता है प्रेम के उतार चढ़ाव में ही, तो प्रेम का आनंद है, यही तो प्रेम का रहस्य है। रूठना फिर मनाना, श्री राधे, जय जय राधे, जय श्री कृष्ण, जय राधे। अरे अब तू जा और देख ये कौन आवाज़ लगा रहा है। कह दे हमारे श्याम सुंदर अभी उदास हैं क्योंकि इनकी आत्मा रूठ गई है, अब वो मनावेंगे। जा ललिता, जा कह दे। ललिता सखी बाहर आई और, कौन है आप? क्यों ऐसे पुकार रहे हैं? क्या आपको पता नहीं यह निकुंज है? श्याम सुंदर अपनी अलहादनी के साथ विहार में रहते हैं। हमें पता है सखी, हमें सब पता है, पर एक प्रार्थना करने आए हैं हम लोग। उन तीनों देवताओं ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की ललिता सखी से। पर कुछ सोचती हुई ललिता सखी बोली, आप लोग हैं कौन? हम तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश। अच्छा, आप लोग सृष्टिकर्ता पालनकर्ता और संहारकर्ता हैं। ललिता सखी को देर ना लगी समझने में, फिर कुछ देर बाद बोली, पर आप किस ब्रह्मांड के विष्णु ब्रह्मा और शंकर हैं? ब्रह्मा जी चकित होकर देखते हैं, क्या ब्रह्मांड भी अनेक हैं? ललिता सखी हंसी, अनंत ब्रह्मांड है हे ब्रह्मा जी, और प्रतीक ब्रह्मांड के अलग अलग विष्णु होते हैं, अलग अलग ब्रह्मा होते हैं और अलग अलग शंकर होते हैं। अब आप ये बताइए कि इस ब्रह्मांड के आप लोग ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। कोई उत्तर नहीं दे सका तो आगे आए भगवान विष्णु, हे सखी ललिते, हम उस ब्रह्मांड के तीनों देव हैं जहाँ का ब्रह्मांड वामन भगवान के पद की चोट से फूट गया था। ओ अच्छा, बताइए यहाँ क्यों आए हैं? ललिता ने पूछा। पृथ्वी में हाहाकार मचा है, कुछ जरासंध जैसे राक्षसों को अत्याचार चरम पर पहुँचा गया है। वैसे ही हम लोग चाहते तो एक एक अवतार लेकर उनका उद्धार कर सकते थे, पर ब्रह्मा चुप हो गए। तब भगवान शंकर आगे आए, बोले, हम श्री श्याम सुंदर के अवतार की कामना लेकर आए हैं। सखी, इनका अवतार हो और हम सबको प्रेम का स्वाद चखने को मिले। भगवान शंकर ने प्रार्थना की और हम लोगों के साथ साथ अनंत योगी जन हैं, अनंत ज्ञानी जन हैं, अनंत भक्तों के ये इच्छा है कि श्याम सुंदर की दिव्य लीलाओं का आस्वादन पृथ्वी में ही पृथ्वी में हो। भगवान विष्णु ने यह बात कही।
ठीक है आप लोग जाइए, मैं आपकी प्रार्थना श्याम सुंदर तक पहुंचा दूंगी। इतना कहकर ललिता सखी निकुंज में चली गई। प्यारी मान जाओ ना, देखो मैं तुम्हारा अपराधी हूँ, मुझे दंड दे दो राधे, मुझे दंडित करो, इस अपराधी को अपने बाहुपास से बांधकर हृदय में कैद कर दो। हे वज्रनाभ, उस नित्य निकुंज में आज रूठ गई है श्री राधा रानी और बड़े इन्होंने विनय कर रहे हैं श्याम सुंदर, पर आज राधा रानी मान नहीं रही है। इन पायल को बजने दो ना, ये गर्दनी कितनी कस रही है तुम्हारी छीर कटी में, इसे ढीला करो ना। हे राधे, तुम्हारी वेड़ी के फूल मुरझा रहे हैं, नए लगा दूं, नए सजा दूं, युगल सरकार की जय हो। ललिता सखी ने उस कुंज में प्रवेश किया। हाँ क्या बात है ललिते, देखो ना श्री जी आज मान ही नहीं रही। असहाय से श्याम सुंदर ललिता सखी से बोले। मुस्कुराते हुए ललिता ने अपनी बात कही। हे श्याम सुंदर, बाहर आज तीन देव आए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। श्याम सुंदर ने पूछा क्यों आए थे। पृथ्वी में त्राही त्राही मची हुई है, कंसादि राक्षसों का आतंक है। ललिता आगे कुछ और कहने जा रही थी पर श्याम सुंदर ने रोक दी। बात ये नहीं है कि क्या राक्षसों का वध ये विष्णु या महेश से संभव नहीं है। उठे श्याम सुंदर, तमाल के वृक्ष की डाली पकड़कर त्रिभंगी भंगिमा से बोले, बात कुछ और है। हाँ बात यह है कि वे लोग और अन्य समस्त देवता, समस्त ज्ञानी जन, योगी भक्त जन आपकी इन प्रेममयी लीलाओं का आस्वादन पृथ्वी में करना चाहते हैं, ताकि दुखी मनुष्य आशा पाश में बंधा जीव, महत्वाकांक्षा की आग में झुलसता जीव, जब आपकी प्रेम पूर्ण लीलाओं को देखेगा, सुनेगा, गाएगा, तो क्या कहना चाहते थे ये वो तीन देव। श्याम सुंदर ने ललिता की बात को बीच में ही रोककर स्पष्ट जानना चाहा। तब ललिता सखी ने हाथ जोड़कर कहा, आप अवतार लें, पृथ्वी में आपका अवतार हो। फिर श्याम सुंदर ने कहा, ठीक है मैं अवतार लूंगा। श्याम सुंदर ने मुस्कुराते हुए अपनी प्रियतमा श्री राधा रानी की ओर देखते हुए कहा। चौक गई थी श्री राधा रानी, मानो प्रश्नवाचक नज़र से देखा था अपने प्रियतम को, मानो कह रही हूँ मेरे बिना आप अवतार लोगे। नहीं नहीं प्यारी, आप तो मेरे हृदय स्वरी हैं, आपको तो चलना ही पड़ेगा। श्याम सुंदर ने फिर अनुनय विनय प्रारंभ कर दिया। श्री राधा कहती हैं, नहीं प्यारे, अपने हाथों से श्याम सुंदर के कपूल छूते हुए, पर क्यों क्यों राधे, क्योंकि जहाँ श्री धाम वृंदावन नहीं, गिरि गोवर्धन नहीं, और मेरी प्यारी ये यमुना नहीं, इतना ही नहीं मेरी ये सखियाँ, इनके बिना मेरा मन कहाँ लगेगा, तो इन सब को पृथ्वी पे मैं ही स्थापित कर देता हूँ। आनंदित हो श्री राधा रानी, हाँ फिर मैं जाऊँगी, पर लीला है प्यारी, याद रहे विरह वियोग की पराकाष्ठा का दर्शन आपको कराना होगा इस जगत को। प्रेम क्या है, प्रेम किसे कहते हैं, इस बात को समझना होगा इस जगत के। श्याम सुंदर ने कहा, हे वज्रनाभ, नित्य निकुंज में अवतार की भूमिका तैयार हो गई थी। महर्षि सांडिल ने ये सब निकुंज का वर्णन सुनकर चकित भाव से यमुना जी की लहरों को ही देख रहे थे वज्रनाभ। भक्तों, इस प्रकार श्री राधा चरितामृत भाग तो संपूर्ण हुआ। अब भाग तीन की कथा आप अगली वीडियो में श्रवण करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।